अरे बी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। उत्तराखंड सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राजस्व बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। सीएम धामी ने आने वाले वित्त वर्ष से अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व प्राप्ति के आर्थिक स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए भी कहा है। सारी पूरे वर्ष भर की जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस पर पूरी चर्चा हुई है, और कुछ विभागों में अभी अपेक्षा अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको उनके लक्ष्य के लिए कहा है, और अगले वर्ष के लिए कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल माह में ही पहले ही सारे विभाग जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होनी है अपना एक रोड मैप बना लेंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे, उसके अनुरूप पूरा मैप बनाकर उस पर पूरे वर्ष भर काम होगा। क्योंकि इस बार ये बैठक ये मार्च आने वाला है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, तो अभी तो केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही था। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इन कर्मचारियों का समर्थन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। स्वामी ने बर्खास्त 228 कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने की मांग भी सरकार से की है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी का कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बातें बतौर वकील कही हैं। मामले पर आखिरी फैसला विधानसभा से ही लिया जाएगा, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। सुब्रमण्यम स्वामी जी विद्वान अभिव्यक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, और निश्चित रूप से पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन वो जिस विषय पर वो कह रहे हैं उस विषय को उन्होंने एज ए अधिवक्ता ही उसको कहा है। अधिवक्ता का काम वो जानते हैं, वो कर भी रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। विधानसभा एक स्वच्छाही संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को भी माननीय न्यायालय ने सही साबित किया है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का विषय है कि वो कोर्ट में इस केस को ले जाना चाह रहे हैं दोबारा या कहाँ उसकी पैरवी करना चाह रहे हैं, इस विषय में उन्होंने ही जानकारी दे दी है। इसको पार्टी को कुछ नहीं कहना है, और विधानसभा ही इस मामले को देख रही है। आगे जो भी कोर्ट में जो पैरवी है, विधानसभा को जो इसमें जवाब देना है, ये उनको तय करना है। पानी बंद हुआ। दरअसल पास में ही पीडब्ल्यूडी के दो पानी के बड़े टैंकर थे। संभावना जताई जा रही है कि उन्हीं टैंकरों से पानी का रिसाव हुआ होगा। इसके अलावा जोशीमठ के सबसे निचले हिस्से में नगर से करीब 9 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी में मौजूद जेपी कॉलोनी में 2 जनवरी को जलधारा फूटी थी, तभी से लगातार मटमैला पानी निकल रहा है। रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पानी के सैंपल भी लिए थे, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास नीति को जारी करते हुए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्टडी रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि जोशीमठ कितना असुरक्षित है, उसी के आधार पर यहां काम किए जाएंगे। तो जोशीमठ में आपदा फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जमीन से पानी निकलने की खबरें सामने आ रही हैं। नरसिंह मंदिर के पास भी जलधारा फूटने का मामला सामने आया है। आपने वो तस्वीरें भी जोशीमठ की देखी होंगी जब लोग पलायन करते हुए नजर आए थे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जोशीमठ अब रहने के लायक नहीं है। हालांकि अभी भी जो एजेंसियां वहां पर जांच कर रही हैं, जो सर्वे किए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। सरकार भी ये स्पष्ट कर चुकी है कि जोशीमठ की स्थिति को लेकर के आखिरी फैसला तभी लिया जाएगा जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी। उसके बाद ही जोशीमठ में चाहे बात विकास कार्यों की हो, चाहे बात दूसरे कामों की हो, तो वो काम उसी के आधार पर किए जाएंगे। विकास कार्य कितने सुरक्षित हैं, इन तमाम बातों का फैसला जो रिपोर्ट अब सामने आएगी उसी के आधार पर कहीं ना कहीं किया जाएगा।
कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में हल्द्वानी के बुद्ध पार्टी में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और सीबीआई ईडी को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। तो सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं और अब राउज रेवेन्यू कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था और लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल सरकार मनमाफिक तरीके से कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है। सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही है, जिस तरह से गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई है, उसको लेकर के सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आएंगी। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया का ये पूरा प्रकरण सामने आया है, इसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मिशन को भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करने की लगातार कोशिशें कर रही थी, कहीं ना कहीं उसकी राजनीति दिल्ली के इर्द गिर्द ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अब नजरें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है। शिक्षा क्रांति के जनक श्री मनीष सिसोदिया जी को जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, इतनी रेड ईडी और सीबीआई की पड़ी, उसके बाद भी कोई ऐसे तथ्य नहीं मिले और झूठे केसों में फंसा के जिस तरह से कल कार्रवाई की है, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और पूरे प्रदेश, पूरे देश भर में एक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि हम मनीष सिसोदिया जी को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए। देखिए, जिस प्रकार कल मनीष सिसोदिया जी को भाजपा के दबाव में आकर सीबीआई ने गिरफ्तार करा है, तो ये पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और यकीन मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि भाजपा का एक ही काल है, वो है केजरीवाल, और सिर्फ केजरीवाल, इस वजह से वो इस तरह की अभद्र व्यवहार जो है। पंतनगर की भी कर लेते हैं। दरअसल मुख्य सचिव एस एस संधू पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने रामनगर के ढिकुली में होने वाले G20 समिट को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद मुख्य सचिव बाजपुर, गड़पु, नयागांव, बेलपड़ा और रामनगर समेत कई इलाकों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। दरअसल G20 के जो प्रतिनिधि हैं वो उत्तराखंड पहुंचेंगे। सरकार की ओर से तमाम कोशिशें ये की जा रही हैं कि जब भी G20 के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे तो उन्हें उत्तराखंड में निवेश को लेकर के वो तमाम व्यवस्थाएं नजर आएं, जिसकी वजह से वो तमाम देश उत्तराखंड में निवेश के बारे में सोचें। क्योंकि अगर G20 के प्रतिनिधि, उन्हें ये लगता है कि उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, उत्तराखंड के लिए बढ़ चढ़ कर निवेश करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, साथ ही साथ पर्यटन की अपार संभावनाएं उत्तराखंड में भी हैं और उन अपार संभावनाओं को किस तरह से स्वरोजगार में बदलना है, इसके लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एस एस संधू ये सोच रहे होंगे, जब उन्होंने निरीक्षण किया है, कि जब G20 के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह की तैयारियों में कमी देखने को ना मिले। की भी कर लेते हैं, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। एक और अवैध निर्माण को गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी ओर कमर्शियल भवन मालिकों को भी नोटिस भेजा जा रहा है कि जो भवन उन्होंने बनाए हैं, जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उन्हें करनी चाहिए।
तो अवैध निर्माण के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम तेजी से चल रहा है, साथ ही बड़े बड़े कमर्शियल भवनों को पार्किंग व्यवस्था करने के लिए भी नोटिस भेजा जा रहा है। मटर गली में 4 दुकानों को नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया, साथ ही 20 बड़े कमर्शियल भवन मालिकों को पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक 20 में से 12 ने पार्किंग की व्यवस्था कर ली है, जबकि 8 ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तो कोई जवाब 8 भवन मालिकों की ओर से नहीं दिया गया है और अब कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई करने की ओर भी देख रहा है। 12 भवन मालिकों ने पार्किंग की व्यवस्था कर ली है, 8 ने अभी तक व्यवस्था नहीं की है, ना ही इसे लेकर के कोई जवाब प्रशासन को सौंपा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी, लेकिन साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश ये की जा रही है कि अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। दुकानें निर्मित थी, उनको तोड़ा गया था, जिसमें 4 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और 4 दुकानों का लेंटर थोड़ा सा अवशेष रह गया था, तो उसे आंशिक रूप से रह गया था, इसको भी आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और मौके पर इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है, जो व्यायामशाला की खाली हुई है, वो नाप के इसको नगर निगम के सुपुर्द देख रेख के लिए किया जा रहा है। प्राधिकरण का 4 की कार्रवाई थी, उसमें व्यायामशाला के एरिया में कुछ दुकानें निर्मित थी, उनको तोड़ा गया था, जिसमें 4 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और 4 दुकानों का लेंटर थोड़ा सा अवशेष रह गया था, तो उसे आंशिक रूप से रह गया था, इसको भी आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और मौके पर इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है, जो व्यायामशाला की खाली हुई है, वो नाप के इसको नगर निगम के सुपुर्द देख रेख के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड में 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेला शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। विकास और सांस्कृतिक मेले में उत्तराखंड के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, पहाड़ी संस्कृति की झलक लोगों को खूब देखने को मिल रही है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की लोक परंपरा, लोकगीत और लोक नृत्य की झलक इन तस्वीरों के जरिए एबीसी स्टार न्यूज भी आप तक पहुंचा रहा है। और कहीं ना कहीं जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी लोगों को मिलता है। तो 5 दिवसीय विकास और सांस्कृतिक मेले की शुरुआत उत्तरकाशी के स्थापना दिवस के मौके पर डोंडा में हुई थी। मेले के चौथे दिन गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और लोक गायक अनिल बिष्ट के गीतों पर लोग जमकर झूमे। कार्यक्रम का शुभारंभ यमुनोत्री के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि मेले हमारी पौराणिक संस्कृति की धरोहर हैं। मेले के जरिए लोगों को एक दूसरे से मिलने और क्षेत्रों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलता है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी नृत्य करते हुए कलाकार नजर आ रहे हैं और इन्हीं लोक नृत्यों की झलक देखने के लिए इस तरह के मेलों में दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं, ताकि लोक आस्था और लोक परंपराओं से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। बुलेटिन में बात देहरादून की भी कर लेते हैं, जहां एसएसपी ने धर्मेश्वर महादेव मंदिर का लोकार्पण कर दिया है। आपको बता दें कि चौकी परेश्वर में उस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह ने नए बने धर्मेश्वर महादेव मंदिर का लोकार्पण कर दिया है। बता दें कि सहसपुर के धर्मावाला चौकी परिसर में मंदिर का निर्माण किया गया है। इस दौरान एसएसपी ने चौकी प्रभारी भरत सिंह रावत की तारीफ की। एसएसपी ने कहा कि चौकी परिसर में भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए हैं, जिससे पुलिसकर्मियों को आत्मबल भी मिलेगा। आज यहाँ पर आकर के ये धर्मेश्वर महादेव मंदिर का जो है यहाँ पर लोकार्पण किया गया, और ये चौकी इंचार्ज श्री रावत का जो है बड़ा अच्छा प्रयास है, थाना प्रभारी का बड़ा अच्छा प्रयास है, और यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ का विराजमान यहाँ पर हो गया है, और इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद थाना और जनपद पुलिस को मिलेगा, और आत्मबल पुलिस का अच्छा रहेगा, जिससे कि पुलिस और निडर होकर के और पारदर्शी तरीके से जनता की सहयोग, जनता का सेवा करे और जनता से सहयोग प्राप्त करे।
आज यहाँ पर आकर कर लेते हैं, जहाँ ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान साल भर में व्यापारियों के हितों में किए गए कामों की जानकारी दी गई है। बैठक में एसोसिएशन का आगामी कार्यकाल 3 साल करने का फैसला किया गया है। साथ ही नई कार्यकारिणी का चुनाव 21 मार्च को कराने की घोषणा भी की गई है। इस मौके पर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि बैठक में व्यापारियों को पूरे कार्यकाल की जानकारी दी गई है। दरअसल इस तरह के एसोसिएशन का काम व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता देना होता है। व्यापारियों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, इसी को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि साल भर में व्यापारियों के लिए कौन कौन से जरूरी कदम समिति की ओर से उठाए गए हैं और अब आगे का जो कार्यकाल होगा। दरअसल पहले जो चुनाव होता था वो 2 साल के लिए होता था, 2 साल के बाद दोबारा चुनाव कराया जाता था, लेकिन अब कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब जो समिति का कार्यकाल होगा, जो एसोसिएशन का कार्यकाल होगा, वो 3 साल के लिए होगा। यानी कि 3 साल के बाद ही अगले चुनावों पर विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है तो उन मांगों को सरकार के सामने किस तरह से रखा जाए ताकि उनकी मांगें पूरी हो जाएं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश एसोसिएशन की ओर से की गई कि व्यापारियों के लिए एसोसिएशन हमेशा तत्पर है और आगे भी खड़ा रहेगा। नामांकन की तिथि 13 मार्च शाम 5 बजे तक, जांच की तिथि 14 मार्च साय 2 बजे तक, नाम वापसी की तिथि 14 मार्च साय 4 बजे तक, चुनाव की तिथि 21 मार्च 9 बजे से 3 बजे तक। इसी सत्संग भवन में, राधा कृष्ण मंदिर के सत्संग भवन में मतगणना उसी दिन 12 से 3, इलेक्शन के बाद उसी समय 4 बजे होगी। देखिए, आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा की बैठक की गई थी। ये आम सभा वर्ष में 2 बार हुई जाती है। इस बार विशेषकर रूप से, क्योंकि चुनावी वर्ष है संस्था का, 2023 में संस्था के चुनाव घोषित होने थे और घोषित हुए हैं, इसी चर्चा पे आज बैठक थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पे बात की गई, जिसमें व्यापारी हित की बातें, जो व्यापार संगठन हमारे व्यापार मंडल द्वारा करा गया, उन बातों पे पुरजोर रूप से व्यापारियों को बताया गया। साथ साथ व्यापार, हम व्यापारियों के लिए क्या करना चाहते हैं, इस बारे में भी प्रकाश डाला गया। साथ साथ में हमारे ट्रेजरर द्वारा, खजांची द्वारा 2 साल का ब्यौरा संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो पारित हुआ और संस्था के समस्त उपस्थित सदस्यों ने संस्था की तारीफ करी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते गया वो आज उपस्थित हुए। और आगामी चुनाव मार्च में घोषित किया गया है चुनाव समिति द्वारा। देहरादून की रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बैंक की फर्जी NOC के जरिए वाहन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 80 से ज्यादा 2-व्हीलर फर्जी बैंक NOC मिली हैं। बता दें कि गिरोह ने हाल ही में एक व्यक्ति को फर्जी बैंक की NOC दिखाकर 2-व्हीलर बेचा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में आपको बता दूं, एक गैंग पकड़ा गया है 4 लोगों का, और उन 4 लोगों का गैंग से हमको ये जानकारी मिली, इसमें 4 लोग हैं और उन 4ों का राहुल खरोला है, दीपक धने है, शाहरुख अहमद है और अजहर है। इन 4ों का यह है कि इन्होंने गैंग बनाया था, जिसमें जो जैसे जो तमाम जो बैंक होते हैं उन बैंकों के माध्यम से जैसे फाइनेंस होकर के जो गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, यदि मालिक ने अगर टाइम से जो EMI होता है अगर पेमेंट नहीं कर रहा हो तो ये रिकवरी एजेंट के माध्यम से फिर गाड़ी को खींचकर ले जाते हैं। तो त्रिशक्ति एक रिकवरी एजेंट है, उसमें ये 4ों लोग काम करते थे और इन्होंने वो लेकर के फिर फर्जी तौर पर जो है उसका NOC बना करके जो पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसको फिर RTO ऑफिस में ले जा करके फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना करके फिर उसको बेचने का काम करते थे। इस पूरे प्रकरण में आपको बता दूं, एक गैंग पकड़ा गया है 4 लोगों का और उन 4 लोगों का गैंग से हमको ये जानकारी मिली, इसमें 4 लोग हैं और